हेलो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थर्टीन दैट इज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो स्टूडेंट टेक आउट योर एसएस बुक ओपन पेज नंबर सेवेंटी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिफरेंट मतलब अनेक प्रकार के जो सोर्स हैं एनर्जी के नेचर हैज़ गिफ्टेड अस लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक वाटर सॉइल फॉरेस्ट एनिमल्स मिनरल्स एक्सेट्रा दिस गिफ्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज विच हेल्प अस फुलफिल आवर डेली नीड्स बच्चों नेचर ने हमें प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जैसे कि वाटर सॉइल ठीक है न मिट्टी जिसको कहते हैं फॉरेस्ट जंगल एनिमल्स जानवर मिनरल्स खनिज इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर ने एज़ ए गिफ्ट दिए गिफ्ट के रूप में दिए उपहार के रूप में दिए और इस गिफ्ट को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और ये क्या करते हैं हमारी जो बेसिक नीड्स है हमारी जो दिनचर्या की आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं ठीक है सोर्स ऑफ एनर्जी अब कौन से सोर्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है ठीक है एनर्जी किससे मिलती है हमें आपने देखा होना होगा एनर्जी किस काम आती है एनर्जी से डीजल से मिलती है पेट्रोल से मिलती है उससे गाड़ियाँ चलती हैं ठीक है ना गैस से मिलती है उससे हमारी गैस चलती है जिससे हमारा खाना पकता है बिजली से मिलती है उससे हमारे बहुत सारे इक्ुपमेंट्स चलते हैं तो इस तरीके से एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं वी यूज़ मैनी रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एनर्जी वी यूज सोलार एनर्जी फ्राम वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर विंड एनर्जी एक्सेट्रा अब एनर्जी जो है हम कई सोर्स से प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं सूरज से ठीक है ना सन से हमें सोलार एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं हमारे घरों में जो बिजली आती है वो बहुत प्रकार से हम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसमें एक तरीका है एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम प्रोड्यूस uh, करते हैं वाटर से इसी तरीके से हम विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं और विंड एनर्जी से भी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सम ऑफ दिस सोर्सेज वी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी आर रिनीबल वाइल अदर आर नॉन रियोनेबल अब जो सोर्स हैं कुछ तो कैसे है Renewable है और कुछ है नॉन रीनएबल रिसोर्सेज रिनीबल वो होते जो ख़त्म नहीं होते जिनको हम यूज़ करते जाएं और वो ख़त्म नहीं होते और नॉन रिनएबल होते हैं कि जिनको हम अगर यूज़ कर लें तो थोड़े समय बाद वो क्या हो जाएंगे ख़त्म हो सकते हैं <coughs> <coughs> थोड़ा समय मीन्स हमारी एक दो जनरेशन के बाद हो सकता है वो ख़त्म हो जाए ठीक है नेक्स्ट इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है द सोर्सेज लाइक सनलाइट एयर वाटर सॉयल फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल डू नॉट गेट कंप्लीटली यूज अप और एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट है एयर है वाटर है सॉइल है फॉरेस्ट है प्लांट्स है एनिमल्स है ये हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकते ठीक है ना हम इसको पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर सकते कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते अगर ये क्या हुए, जैसे कि प्लांट्स है वो डेड हो जाते हैं तो नए प्लांट्स उगाते हैं तो ये दिस सोर्सेज कैनोट बी दिस सोर्सेज कैनोट बी रिप्रोड्यूस दे आर नोन एज रेन्यूएबल रिसोर्से ठीक है इनको कहते हैं हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो कभी भी हमारे खत्म नहीं होंगे अब हम इन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं सन सन एनर्जी इज बीइंग एक्सटेंसिवली फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इन वाटर हीटर सोलर कुकर एंड सो ऑन मैनी विलेजेस आर गेटिंग इलेक्ट्रीफाइड विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर अब सन एनर्जी से क्या हो रहा है हमें जो लाइट मिल रही है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उससे हम क्या कर सकते हैं लाइटिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह को जला सकते हैं ठीक है ना और सोलर एनर्जी से हम क्या करते हैं पानी को भी गर्म कर सकते हैं सोलर कुकर से हम क्या कर सकते बहुत सारे अपना खाने की चीज़ें बना सकते हैं जैसे राइस है दाल है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोलर कुकर से मैंने विलेजेस बहुत सारे गांव ऐसे जिनको सोलर पावर का यूज़ करके वहाँ पर सोलर एनर्जी दी जा रही है सोलर पावर इज़ ऑल्सो बींग यूज अप टू पम्प वाटर फॉर इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग इसी तरीके से सोलर एनर्जी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं पानी निकाल सकते हैं ठीक है ना सिंचाई कर सकते हैं पीने का पानी कुओं से निकाल सकते हैं तो इस तरीके से हम सोलर एनर्जी से क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिससे हम जो भी काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है वो कर सकते हैं नेक्स्ट इज वाटर अनेदर रेन्यूएबल रिसोर्स है वाटर वी नीड वाटर टू ड्रिंक एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए एबिलिटी टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पानी को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं और इसको ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी यूज़ करते हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिक प्लांट्स प्लांट्स होते हैं फैक्ट्रियाँ कह सकते हो हिंदी में बोलते हैं संयंत्र ठीक है वो लगाते हैं यहाँ पर प्लांट्स का मतलब पौध पौधे नहीं हैं और इससे क्या कर सकते है? जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसको हम दूर दूर तक ले जा सकते हैं The release as needed of water stored एंड इन रिजर्वर बिहाइंड डैम्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई स्पिनिंग टर्बाइन एज इट फ्लो थ्रो पाई अब क्या होता है कैसे बिजली पैदा करते हैं बड़े बड़े डैम बनाते हैं वहाँ क्या करते हैं पानी को फ्लो करते हैं ऊपर से ठीक है बहुत हाइट से पानी को और उससे क्या होती है टर्बाइन स्पिन करती है घूमती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बड़ी क्लास में जाओगे आप तो पूरा फेनोमेना पढ़ोगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विंड विंड इज़ ऑल्सो बींग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विंड का भी हम यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेटअप एट मैनी प्लेसेज इन आवर कंट्री हमारे देश में ह्यूज मील्स बड़ी बड़ी विंड मिल्स जो हैं कई प्लेसों पर लगाई गई हैं विंड पावर इज क्लीन एनर्जी Because wind turbine do not produce any emission, these turbines are used to turn wind into electricity. और जो wind energy से electricity produce कर रही है वो बहुत साफ होती है मतलब उसमें कोई भी pollutant नहीं है pollution की कोई भी चीज़ें नहीं होती environment को वो pollute नहीं करती है और यहाँ पर भी हम क्या करते जैसे hydroelectricity में हम टर्बाइन को स्पिन करा रहे थे किससे वाटर से वैसे ही हम यहाँ टर्बाइंस को क्या कराते हैं विंड के द्वारा स्पिन कराते हैं ठीक है नेक्स्ट इज बायोमास बायोमासनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमेशन द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री ऑल्सो बेनिफिट फॉर द डिमांड फॉर बायोमास अब बायोमास क्या है जो एन इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इससे डीजल वगैरह बनता है जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है प्लांट्स से और एनिमल प्रोडक्ट्स से जैसे गोबर से उसको हम कहते हैं बायोमास और ये बायोमास से भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती अगर हम लकड़ियाँ जलाएंगे तो उससे क्या होती है एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग लेकिन बायोमास से हम क्या करते हैं प्लांट्स का और एनिमल्स के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं गैस प्रोड्यूस करने में जिसको हम कहते हैं गैस या पेट्रोल भी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं बायोमास और उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती तो ग्रीन हाउस जो गैस का एमिशन है वो कम होता है ग्लोबल वार्मिंग कम होती है ठीक है तो स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर हैव अ नाइस डे गुड बाय